हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था, इस पेपर में कई प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे, तो कई अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से आप इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो उत्तराखंड की जो UK 888 की जो साइट है, वहाँ पर आप इसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और यह आपत्ति आपको 5 मार्च से पहले करवानी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार से आपको ये आपत्ति दर्ज करवानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो के पेपर में इस बार कई गलतियाँ पाई गई, कुछ तो प्रश्नों को लेकर था और कुछ पेपर तो इस प्रकार दिए गए थे कि जिसमें 40 प्रश्न भी रिपीट हुए थे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये UK 888 की साइट से यहाँ पर एक विज्ञापन सौंपा गया है। देखिए उत्तराखंड अधिनिय चयन सेवा चयन आयोग के द्वारा, और देखिए 26 तारीख की डेट दी गई है इसमें। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा क्या दिया गया है। ये तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दिनांक 26/2/2018 को कुछ अभ्यर्थी द्वारा आयोग में उपस्थित होकर प्रश्न पुस्तिका में 40 प्रश्नों के 2 बार छपने पर विषय आयोग ने संज्ञान में लिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26/2/2018 में कुछ समाचार पत्रों में भी प्रश्नों की पुनरावृत्ति के समाचार प्रकाशित किए गए हैं। वर्तमान तक कुल 4 अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी प्रश्न पुस्तिका तथा उनके प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 2 पुस्तिकाएँ हरिद्वार के 3 केंद्रों से संबंधित हैं और 1 प्रश्न पुस्तिका देहरादून के 1 केंद्र से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो 4 अभ्यर्थी थे उनको इस प्रकार की प्रश्न पुस्तिका मिली जिसमें 40 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा भी कई प्रश्न ऐसे थे इसमें जिनके आंसर गलत दिए गए थे। तो आप उन आंसरों की आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसके लिए UK 888 की साइट में जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस गूगल में जाकर UK 888 लिखना पड़ेगा और इसे सर्च कर देना है। तो जैसे आप UK 888 करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो पहली साइट आती है, इस पर आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपकी साइट खुल जाती है, उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आंसर की है, इसके नीचे दिया गया है ऑब्जेक्शन क्लिक बिलो लिंक, और इसके नीचे दिया गया है आंसर की फॉर ऑल एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये साइट खुल जाती है और यहाँ पे दिया गया है प्रतिरूप सहायक की आंसर की हेतु, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे दिया गया है कि सहायक विकास अधिकारी की आंसर की हेतु, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे दिया गया है आवेदन प्रत्यावेदन के लिए क्लिक। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन रहता है। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू ऑब्जेक्शन। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम का नाम BPDO, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज पूछेगा आपको, तो आपका जो भी बुकलेट थी आपको वो डाल देना है। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास बुकलेट है जो सी है, तो मैंने इसको सी डाल दिया। इसके बाद प्रोसीड कर देना है और यहाँ पे फिर से लॉगिन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप रोल नंबर डालते हैं ये ऑप्शन खुल जाता है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा गलती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 31 डाल दिया, तो यहाँ पे ये भर देंगे, और सेट कौन सी थी आंसर की और आंसर क्या आया था और आपका कौन सा है। जैसे मैंने माना कि जो 31 क्वेश्चन था वो था कि काली नदी कहाँ से निकलती थी, उसमें ऑप्शन सी दिया गया था मेलम, लेकिन मेरा आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, और इसमें आ रखा है कि ऑब्जेक्शन टाइप, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट पर क्लिक कर दिया कि आंसर की इन आंसर इज रॉन्ग, तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके प्रूफ के लिए आपको एक जो किसी बुक से, जैसे यहाँ से मैं अगर किसी बुक से लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये इमेज ली है, तो देखिए फ्रेंड, जैसे आप इसको भर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्रूफ लगाना है। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे परीक्षा वाणी, ठीक है दोस्तों, मैंने परीक्षा वाणी से बुक के पेज लिए हैं, परीक्षा वाणी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में आपको इसको लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ PDF फॉर्म में,
तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ से मैं फाइल चूज करता हूँ, और इसको जो लेना है वो इमेज के फॉर्म में नहीं होगा, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे ड्राइव में लिया है और मैंने यहाँ से ये पेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने ऑब्जेक्शन ऐड ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली सबमिट द ऑब्जेक्शन, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्शन था ये सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार से जब आप कर देते हो तो ये इस प्रकार से निकल जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 13 सजेशन आंसर डी, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में ये आ गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज या कोई फीस नहीं है। तो आप 5 तारीख तक अगर आपको कोई पर्सन क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप इसको जल्द से जल्द कर दें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।